नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास सिंगापुर के लिए एक और रिक्वायरमेंट आई है और ये रिक्वायरमेंट काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट वेयरहाउस असिस्टेंट के लिए है, जिसमें काम रहेगा फ्रोजन फूड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में। रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली फ्रोजन कंपनी है, तो यहाँ पर -10 डिग्री में काम करना पड़ेगा। जो लोग भी -10 डिग्री में काम करने के लिए कंफर्टेबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए और ऑब्वियसली -10 डिग्री में काम करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट के। लेकिन जो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, इसमें वर्क परमिट के लिए है, जैसे कि यूपी, बिहार, बंगाल के अलावा बाकी किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट के पास में सिंगापुर का क्लास 3 लाइसेंस हुआ, तो उसका एडवांटेज उनको अलग से मिलेगा। बेसिक सैलरी होगी, वो बेसिक सैलरी मंथली 1600 पर मंथ सैलरी होगी। इसमें वीकली 44 घंटे काम करना होगा, उससे ऊपर जो काम करेंगे वो ओटी के रूप में मिलेगा और ओटी उनको 20-22 घंटे ओटी मिलने के मिल सकते हैं, उससे ज्यादा भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन सीजन। और इसमें हाउसिंग अलाउंस $200 मिलेगा एंड फोन अलाउंस $25 मिलेगा। परफॉर्मेंस की वजह से उनको बोनस भी मिलेगा और उनको जो एवरी मंथ उनका परफॉर्मेंस असेस किया जाएगा, जिसके बेस पर उनको बोनस मिलता रहेगा। 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा और एनुअल लीव स्टार्ट होती है 8 दिन के बाद से, 8 डेज की, जो कि every 3 years में बढ़ती है। मीन्स हर 3 साल में एनुअल लीव बढ़ती है। और वर्किंग आवर्स रहेंगे मॉर्निंग 7 AM to 7 PM के बीच में वर्किंग रहेगा। कभी कभी 6 PM पे भी कंप्लीट हो जाता है, मीन्स 7 AM to 6 PM या 7 AM to 7 PM, इसके बीच में ड्यूटी रहती है। मंडे टू सैटरडे काम करना रहेगा, एक वीकली ऑफ रहेगा इसमें। और यहाँ पर मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, वो रहेगा वेयरहाउस मैनेजमेंट का काम रहेगा। चेक एंड रिकॉर्ड द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को चेक करके रखना होगा और वहां पर जो आइटम्स को डिलीवरी लिए कितने हैं, कितने रिसीव हो चुके हैं, कितने प्रिपेयर हैं, रेडी हैं डिलीवरी के लिए, वो सब चेक करना है। इसमें स्कैन करना है प्रोडक्ट को और इन्वेंट्री को प्रॉपर मेंटेन करना है, पूरा डेटाबेस मेंटेन करना, ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हुए सारे चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, मीन्स प्रॉपरली वेयरहाउस को मैनेज करना है। और वहां पर असिस्टेंट्स का काम है, मीन्स एक प्रकार से वेयरहाउस वर्कर बोल सकते हैं, असिस्टेंट बोल सकते हैं, सुपरवाइजर के अंडर में काम करना रहेगा। सैलरी काफी अच्छी है, रिक्वायरमेंट बहुत आसान है, इंग्लिश आना चाहिए और कोई भी मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, जो काम है ऑब्वियसली उनको आना चाहिए और ऑब्वियसली इस प्रोफाइल में कंफर्टेबल होना चाहिए। पास में एक्सपीरियंस होगा तो उसका वेटेज मिलेगा और अगर सिंगापुर का क्लास 3 लाइसेंस है तो उसका उनको वेटेज और ज्यादा मिलेगा। सो दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट आपको कैसे लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, वो उसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इसका लाभ और भी लोग ले सकते हैं। धन्यवाद।